नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी तक इंडिया में कुल 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन हो रहा है, जहां पर दोस्तों 9वीं ट्रेन का परिचालन बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जहां पर भारत सरकार के द्वारा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इंडिया में वंदे भारत एक्सप्रेस अभी तक 8 रूट पर चल रही है, जहाँ पर दोस्तों 9वीं ट्रेन का परिचालन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। नए रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू होने वाला है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे हमेशा रेलवे से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। देश के हर मुख्य रेल मार्ग को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार लगातार योजना बना रही है। इसी क्रम में 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नए रूट पर परिचालन शुरू करने का भी ऐलान कर दिया गया है। अभी तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत में कुल 8 रूट पर चल रही है। जब से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है, यात्री अपने मंजिल तक बहुत कम समय पर पहुंच पाते हैं। भारतीय रेलवे और केंद्र सरकार पूरे भारत में रेलवे नेटवर्क को बेहतर बनाने का काम कर रही है। भारतीय रेलवे भारत में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बढ़ा रहा है। वर्तमान में ट्रेन भारत के विभिन्न हिस्सों में पहले 8 मार्ग पर चल रही है। ट्रेन की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे की भारत में और अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की योजना बन रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इन नई ट्रेनों की दक्षिण भारत में पेश किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच आखिरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर रवाना किए थे। दक्षिण भारत में पहले वंदे भारत ट्रेन को चेन्नई बेंगलोर मैसूरी मार्ग पर हरी झंडी दिखाई गई। और दोस्तों मैं बताऊं कि जो 9वीं ट्रेन का परिचालन शुरू होने वाला है, वह तेलंगाना कर्नाटक और महाराष्ट्र के रूट पर चलने वाली है। और आप लोगों को सबसे बड़ी अपडेट देता हूं कि 2023 लास्ट दिसंबर तक पूरे भारत में 75 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू होगा और पूरे 3 वर्ष में पूरे इंडिया में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी 2023 चल रहा है, 2026 लास्ट तक पूरे इंडिया में कुल 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हर रूट पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानने को मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपके क्षेत्र में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन हो रहा है, तो वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में हमेशा रेलवे से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए गाइस, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।